विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी दो क्रिकेटर हैं, दोनों रन बनाते हैं, दोनों अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन पिच पे दोनों का एटीट्यूड देखे हैं। इसका मतलब है कि एटीट्यूड कुछ भी हो, रिजल्ट को यानी गोल पर पहुंचा जा सकता है। एथिक्स, एथिक्स का दो भाग और अगर उसमें जोड़ दें, एटीट्यूड और इंटीग्रिटी, एटीट्यूड जोड़ दें और इंटीग्रिटी। एटीट्यूड का मतलब और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी और एटीट्यूड का मतलब वही अभिरुचि और एथिक्स का मतलब नीति, नैतिकता, नीति शास्त्र जिसको बोल रहे। आपको जो पसंद है वही तो आप करेंगे ना, आपकी जिसमें अभिरुचि है वही तो करेंगे ना। लोग कहते हैं बड़ा एटीट्यूड में रहता है। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी दो क्रिकेटर हैं, दोनों रन बनाते हैं, दोनों अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन पिच पे दोनों का एटीट्यूड देखे हैं। धोनी को शांति पसंद है और विराट कोहली को थोड़ा एक्टिव रहना पसंद है, थोड़ा खुन्नस में रहना, लेकिन रिजल्ट दोनों दे रहे हैं ना। इसका मतलब है कि एटीट्यूड कुछ भी हो, रिजल्ट को यानी गोल पर पहुंचा जा सकता है। खुन्नस में रहकर भी रन बनाया जा सकता है और कोल माइंडेड रहकर भी रन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर रन बन रहा है तो उसका खुन्नस भी हमें पसंद है और रन बन रहा है तो इसकी शांति भी हमें पसंद है। अगर अंतरात्मा की आवाज आप सुन रहे हैं, क्या समझे, और अंतरात्मा की आवाज दैट इज योर मॉरल ड्यूटी, और आपको मदद करना, इमोशनल इंटेलिजेंसी, गरीबों पे दया करना, लोगों की सहानुभूति करना, लोगों को बिना मतलब के परेशान नहीं करना, अगर इन आदतों से आप, आपका ऐसा एटीट्यूड है और आप इसको अगर विस्तार देते हैं तो हम इस रूप में भी पसंद कर लेंगे, करेंगे ही करेंगे। और आप अपराध रोकते हैं, गोली बंदूक चलाते हैं, चोर डकैत पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, इस एटीट्यूड के हैं, तब भी हम आपको फुल मार्क्स देंगे।